जी अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपना ये सेकंड ईयर का कोर्स स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर साइंस का। तो ये पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की मेरे पास बुक है, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक में हम लोग देखते हैं तो इसमें टोटल हैं 14 चैप्टर्स, ये इसका टेबल ऑफ कॉन्टेंट है, जिनमें से फर्स्ट 7 चैप्टर्स डेटाबेस की हैं। पहले 4 चैप्टर्स जो हैं वो डेटाबेस की थेरी है, उसके बाद चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, ये 3 प्रैक्टिकल के चैप्टर्स हैं। फिर चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक, चैप्टर 8 से 14 तक हमारे पास, यानी 8 से 14 तक सी लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि हमारी जो कंप्यूटर साइंस की बुक है सेकंड ईयर की, इसमें टोटल 2 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन डेटाबेस का है और दूसरा सेक्शन सी लैंग्वेज का। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हम लोग इस तरह करते हैं कि सी लैंग्वेज से स्टार्ट लेते हैं। सही है, तो सी लैंग्वेज में यानी चैप्टर नंबर 8 पे आ जाएं अब आप। तो चैप्टर नंबर 8 में पेज नंबर है ये, चैप्टर नंबर 8 का 131। ठीक है, तो हम यहाँ पे 131 अगर करते हैं तो अभी चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स का भी आ गया था। ये चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो गया। अब अगर आप इस बुक की फॉर्मेशन देखिए ना, तो चैप्टर नंबर 8 में उन्होंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम का बताया है, और उसके बाद साथ ही उन्होंने हिस्ट्री ऑफ सी और सारा सी का बताना शुरू कर दिया। सी में टर्बो सी का ये सारा हम पढ़ेंगे, और ये इसके बाद प्रोग्राम किस तरह से लिखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ठीक है, ये सारा कुछ, और प्री प्रोसेसर, ये सब कुछ जो है ना कि प्रोग्राम लिखने का तरीका है, ठीक है। इसके बाद इसने कुछ बताए हैं प्रोग्रामिंग एरर्स, कुछ बता दिए हैं कि प्रोग्राम में किस किस्म के एरर आते हैं, और फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड में बता रहा है चैप्टर के एंड में कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो ये थोड़ा सा इस बुक की सीक्वेंस थोड़ी खराब है, तो हम इसलिए हम लोग जो है ना पीएम सीरीज की बुक को फॉलो करेंगे। पीएम सीरीज की बुक है, मजीद सन्स पब्लिशर है। बेहतर है कि आप उसकी हार्ड कॉपी खरीद लें, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसकी जो है ना सॉफ्ट कॉपी अगर मटेरियल, रीडिंग मटेरियल फिलहाल के लिए चाहिए, तो ये पीएम सीरीज का एक फेसबुक पे पेज है, ये पीएम सीरीज के नाम से पेज है, आपने ये पेज लाइक कर ले। इसके ऊपर सारी जो चैप्टर्स की स्लाइड्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, आपने वो चैप्टर की स्लाइड्स यहाँ से लेनी है। ये चैप्टर नंबर 9 की स्लाइड्स हैं, ये चैप्टर नंबर 8 की हैं, आपने चैप्टर नंबर 8 की स्लाइड्स में से देख लेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ से कंटेंट लेना चाह रहे हैं। मैं इस कंटेंट को फिलहाल फॉलो कर रही हूँ, तो आप जो है ना इसको भी देखिए, टेक्स्ट बुक को भी देख लीजिएगा। अगर आपने इसकी, चूंकि स्टेटमेंट्स ज़रा आसान होती हैं, एक प्रॉपर फ्लो में सारा चैप्टर चल रहा होता है, तो इसलिए हम इसको भी, इसको ज़्यादातर फॉलो करेंगे, ठीक है। ये है, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट किया है, उसके बाद सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, ट्रांसलेटर और टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहां तक आज हम करेंगे स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक, और फिर बाकी का जो है वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें आपने इसको जरा, इसको भी फॉलो कर लें और साथ में लेक्चर भी देखें, तो इसको इंशाल्लाह हम लेके फिर साथ साथ चलेंगे। जी आज हम स्टार्ट ले रहे हैं, हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम स्टार्ट लेंगे चैप्टर नंबर 8 से, जो है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। इसके सेकंड ईयर में 2 सेक्शंस हैं, जैसा कि पहले बताया कि डेटाबेस और सी लैंग्वेज। तो हम लोग डेटाबेस इंशाल्लाह बाद में करेंगे, पहले सी लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। सी लैंग्वेज में पहले लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले, लैंग्वेज पढ़ने से पहले देखते हैं कि ये लैंग्वेज होती क्या है, ये चीज़ होती क्या है। तो उसमें है कि सबसे पहले तो कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जिसकी एक कंप्यूटर की, कंप्यूटर प्रोग्राम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के जरिए सॉल्व की जाती हैं। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि दैट इज गिवन टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। सही है, तो अब सॉफ्टवेयर लिखा किस तरह जाता है? एक सॉफ्टवेयर, जिस तरह हमने बात की थी कि कंप्यूटर इटसेल्फ एक डब्बा है, कुछ भी नहीं है, एक मशीन है। जब तक उस मशीन में बताया ना जाए कि व्हाट टू डू, करना क्या है, वो बताएगा कौन? वो सॉफ्टवेयर बताएगा। तो तब तक मशीन जो है काम नहीं करेगी, कुछ भी नहीं कर, किसी काम की नहीं रहेगी। तो अब मशीन को ये बताना, मशीन, अब सॉफ्टवेयर जो है वो लिखा कैसे जाता है? वो लैंग्वेज में लिखा जाता है, किसी ना किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज यूजर और मशीन के दरमियान कम्युनिकेट करवाने का एक जरिया है। वैसे आप लैंग्वेज देखें क्या होती है, हमारी उर्दू लैंग्वेज है, इस वक्त हम उर्दू में बात कर रहे हैं, उर्दू हो गई, इंग्लिश हो गई, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प आउट करती हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की यूजर्स के साथ कम्युनिकेशन में हेल्प आउट करती है, ठीक है।
हम जिस तरह से कंप्यूटर के कुछ हमारी लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, उर्दू में लुगत होती है, इंग्लिश में ग्रामर्स होती हैं, वो ग्रामर्स कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हमारे वर्ड्स बनते हैं, रूल्स होते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश का एक रूल है कि सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है. इसकी ये एक रूल है ना. इसी तरह के कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी कुछ रूल्स होते हैं. वो लैंग्वेज जिसमें प्रोग्राम लिखा जाता है उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, उनको सिंटेक्स बोलते हैं. सही है. अब दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सही है. तो अब लो लेवल से स्टार्ट करते हैं. लो लेवल क्या होती है, जो कि बहुत मशीन के क्लोज तरीन लैंग्वेज होती है. इसमें आगे दो तरह की लैंग्वेजेस आ जाती हैं, एक आ जाती है मशीन लैंग्वेज और एक आ जाती है असेंबली लैंग्वेज. अब इनको बारी बारी देखते हैं. ठीक है, ये होती हैं लो लेवल लैंग्वेज 0101 की फॉर्म में होती हैं, बिट्स की फॉर्म में. जैसे आपको बताया, कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कंप्यूटर सिर्फ ये जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये 0101 की जुबान समझती है, यानी बाइनरी जुबान समझती है, बाइनरी लैंग्वेज को समझती है. आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि डायोड्स होते हैं हमारे जो होते हैं ना, ये इसके सर्किट होते हैं जो पूरे सर्किट के ऊपर कुछ डायोड्स किस्म के बने, डायोड्स ट्रांजिस्टर इन चीजों से बना होता है. तो इन सर्किट्स में होता है कि अगर एक जीरो है इसका मतलब है कि ऑफ है, अगर वन है इसका मतलब है ऑन है. कुछ जो डिवाइसेस होती हैं, कुछ हार्डवेयर होते हैं, उनमें ये उल्ट होता है. वन का मतलब होता है ऑफ या जीरो का मतलब ऑन. बैठा कि इनका अपना कंस्ट्रक्शन होती है, इनके अपना आर्किटेक्चर होता है. अच्छा, लो लेवल में मशीन लैंग्वेज की बात की जाए तो इसी तरह होता है कि लो लेवल लैंग्वेज जो होती है, मशीन लैंग्वेज जो होती है, वो 0101 की एग्जैक्टली 01 की फॉर्म में होती है. ये बहुत डिफिकल्ट, इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसको यूज करना बहुत मुश्किल होता है, इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये बहुत फास्ट होती है. ट्रांसलेट क्यों नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मशीन को वही जुबान में बताया जा रहा है जो जुबान को समझता है, तो इसलिए किसी किस्म की ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती है. अच्छा, प्रोग्राम जो है, जो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है, मशीन लैंग्वेज के जितने प्रोग्राम है वो सब मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं. वो क्यों होते हैं, जैसे अभी आपको बताया कि मशीन जो है, मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा, मशीन डिपेंडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि हर मशीन का एक अपना आर्किटेक्चर होता है. फॉर एग्जाम्पल, इंटर वाले कोई मशीन बना रहे हैं या मोटरोला वाले कोई मशीन बना रहे हैं, यानी प्रोसेसर्स बना रहे हैं, तो उन्होंने अपने जो प्रोसेसर बनाए हैं उनका एक अपना आर्किटेक्चर होगा, एक अपना उनका जो है पूरा अंदर से सिस्टम होगा. तो वो जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है वो सिर्फ उसी मशीन में चल सकता है जिस मशीन के लिए वो लिखा गया है, वो किसी दूसरी मशीन में नहीं चल सकता, क्योंकि वो उसके मशीन डिपेंडेंट का मतलब यही है ना कि वो इस मशीन के लिए ही बनाया गया है. ये इसकी एक लिमिटेशन थी. ठीक है. अब फिर इसके बाद अगली एक और कुछ अरसे बाद पुराने कंप्यूटर्स में ही एक और आई लैंग्वेज जो कि असेंबली लैंग्वेज थी. आती ये भी लो लेवल लैंग्वेजेस के अंडर ही है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में क्या है कि ये थोड़ी आसान थी मशीन लैंग्वेज की नस्बत. वैसे इसके अंदर डायरेक्टली प्रोग्राम लिखना भी मुश्किल ही था, लेकिन इस तरह से आसान थी कि इसमें नेमोनिक्स होते हैं. नेमोनिक्स जो होते हैं, इसमें एम जो है वो साइलेंट है. नेमोनिक्स का मतलब है कि इंग्लिश लाइक वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स की सूरत में प्रोग्राम्स में लिखे जाते हैं, ना कि 0101 की फॉर्म में लिखे जाते हैं. फॉर एग्जांपल, दो नंबरों को ऐड करवाना है तो एक स्टेटमेंट थी होगी इसमें ऐड की, दो नंबरों को मल्टीप्लाई कराना है तो एक स्टेटमेंट होगी मल्टीप्लाई, MUL मल की. तो इसी तरह इसके अंदर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग टास्क ईजियर हो गया, थोड़ा प्रोग्रामिंग का जो काम था वो थोड़ा आसान हो गया इन शॉर्ट वर्ड्स की वजह से. सही है. लेकिन अब मसला क्या है, मसला वहीं पे आ गया कि कंप्यूटर तो समझती है सिर्फ मशीन लैंग्वेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो कोई और लैंग्वेज समझती नहीं है. अगर असेंबली लैंग्वेज में आप इसको कोई बात कह रहे हो, कुछ समझाना चाह रहे हो, तो वो कैसे समझेगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं. तो इसके लिए एक चीज आ गई, ट्रांसलेटर. ये ट्रांसलेटर्स हम बाद में अभी आगे जाके पढ़ेंगे. ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं. ट्रांसलेटर्स जो है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम उर्दू बोल रहे हैं, कोई आप किसी और कंट्री चले जाओ, टर्की चले जाओ, तो उधर टर्किश बोली जाती है. तो आप उधर जाके अगर उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे, बात करने की कोशिश करोगे, आपको उनकी बात ही नहीं समझ आएगी. क्यों? क्योंकि आपकी लैंग्वेज उर्दू है, उनकी लैंग्वेज टर्किश है. तो कोई ना कोई ऐसा जरिया होना चाहिए कि आप एक दूसरे की बात को समझ सको. तो वो जरिया क्या होता है, बीच में कोई एक ट्रांसलेटर आ जाता है. जैसे अक्सर आपने कोई बड़ी मीटिंग्स देखी होंगी, कोई जो जो हुकूमती लेवल पे होती हैं, उनमें भी ट्रांसलेटर. चाइना का सदर कभी भी
जो ज्यादातर जो देखा गया है कि वो इंग्लिश नहीं बोलता, वो अपनी लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करना पसंद करता है, वो अपने साथ ट्रांसलेटर लेके जाता है। इसी तरह गाइड्स होते हैं मुख्तलिफ, आपने कभी टूरिस्ट गाइड्स देखे हो, तो वो भी इसी तरह करते हैं कि वो ट्रांसलेटर्स होते हैं, वो दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बता रहे होते हैं और हेल्प कर रहे होते हैं। सही है, वो ट्रांसलेटर्स को दोनों तरह की लैंग्वेजेस आती होती हैं, वो एक लैंग्वेज से एक लैंग्वेज की बात लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं और दूसरी लैंग्वेज में कन्वे कर देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी ट्रांसलेटर्स का काम है। असेंबली लैंग्वेज में भी एक ट्रांसलेटर होता है जिसका नाम है असेंबलर, ठीक है, इसका ट्रांसलेटर है असेंबलर, उसकी जरूरत पड़ जाती है यहाँ पे, वो आता है और इसको असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज को बताता है कि अब सारी इंस्ट्रक्शंस मशीन लैंग्वेज में मशीन को बता रहा होता है। हालांकि यूजर की जो इंटरेक्शन है वो किसके साथ है, मशीन लैंग्वेज के साथ नहीं है, अब उसकी असेंबली लैंग्वेज के साथ है। सही है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज होती है वेरी क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, बहुत ज्यादा ह्यूमन लैंग्वेज के करीब तरीन होती है। इसमें इंस्ट्रक्शंस जो लिखी जाती हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो बिल्कुल इंग्लिश की स्टेटमेंट्स की तरह की होती हैं, ठीक है, इंग्लिश की तरह इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जो सेट ऑफ रूल्स असेंबली लैंग्वेज में भी होते हैं, सेट ऑफ रूल्स हाई लेवल लैंग्वेज में भी, हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। इनमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे अभी ग्रामर की बात की कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह से एक सेंटेंस बनता है, इसके एंड में एक फुल स्टॉप लगाना हो तो फुल स्टॉप होता है। पंक्चुएशन आप लोग इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे कि कहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगना है, ये सारी चीजें आप एक रूल के तहत चलते हैं। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज में भी कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे कंप्यूटर आपकी जुबान को नहीं समझेगा, ठीक है। उन रूल्स को कहते हैं सिंटैक्स, रूल्स जो होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के उनको बोलते हैं सिंटैक्स। अच्छा, अब कुछ लैंग्वेजेस का जिक्र किया गया है कि कुछ लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, ये सी लैंग्वेज आप अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इस ये लैंग्वेज किस लिए बनाई गई थी, ये ज्यादातर सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज होती है। अच्छा, फोरट्रॉन, फोरट्रॉन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, ये अब इस्तेमाल नहीं की जाती है, ये वैसे इस्तेमाल होती थी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फिर कोबोल आ जाती है, यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जो है ये किस लिए थी, ये बिजनेस और कॉमर्स के लिए यूज होती होती थी, ये भी अब ऑब्सोलीट हो चुकी है। फिर जावा आ जाती है, ये बहुत इन है, अब भी इस्तेमाल होती है और बहुत पॉपुलर भी है, ये नेटवर्किंग प्रोग्राम, नेटवर्क की प्रोग्रामिंग या फिर वेब पेजेस डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, जावा जो है ये हमारी एंड्रॉयड की भी जो एंड्रॉयड की बैकएंड पे सारी प्रोग्रामिंग ना जावा के साथ, जावा के अंदर होती है। पास्कल ये साइंटिफिक और बिजनेस पर्पसेस के लिए होती है, और बेसिक बेसिक जो है बिगनर्स के लिए लैंग्वेज होती है, ये आज से पहले अभी तक जो है मैट्रिक के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती थी बेसिक, लेकिन अब सुनने में आ रहा है क्योंकि 9th क्लास का कोर्स अब चेंज हो चुका है, तो होपफुली 10th में भी कोर्स चेंज हो जाए, तो सुनने में आ रहा है कि जो सी लैंग्वेज अब आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे वो नेक्स्ट ईयर से जो हमारे जूनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, वो इसको मैट्रिक में पढ़ेंगे। अच्छा, अब आगे कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कुछ खसूसियात हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज की फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स क्या है। अच्छा, ये एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला हाई लेवल लैंग्वेज का करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये इजी टू लर्न है। इजी टू लर्न कैसे हुई, इजी टू लर्न ऐसे हुई कि ये तो ह्यूमन लाइक लैंग्वेज थी ना, ह्यूमन लाइक स्टेटमेंट्स थी। अब आप बताएं कि ह्यूमन लाइक स्टेटमेंट्स को याद करना ज्यादा आसान है या वन टू वन की फॉर्म में याद करना ज्यादा आसान है। इजी टू लर्न हुई क्योंकि ह्यूमन लाइक ये क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है, तो इसको याद करना इसलिए ज्यादा आसान है। इसके बाद आ जाती है एरर्स डिटेक्ट करना। एरर डिटेक्शन इसमें बहुत आसान है, वो क्यों, क्योंकि एरर्स फॉर एग्जाम्पल मशीन लैंग्वेज है, उसमें 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 कुछ इस तरह से है, और ये बहुत लंबी सारी सीक्वेंस है। इसमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 की बजाय 0 आना था, गलती से 1 आ गया। अब आपके पास एक इतनी बड़ी फाइल हो जिसके या इतनी बड़ी आपके पास सीक्वेंस हो जिनमें से आपने एरर डिटेक्ट करना है, और एक ही जैसी चीजें सर 0 1 0 1, ये तो वैसे ही सर्च कराना शुरू हो जाएगा, इतना आसान नहीं है इधर ये इसका एरर डिटेक्ट करना। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने एक इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट कुछ भी बोल दे, आई लव पाकिस्तान,
अब गलती से ये देखें लव के स्पेलिंग गलत है, एल ओ वी ई होना था, स्पेलिंग गलत हो गए, लेकिन ये इसको डिटेक्ट करना आसान था क्योंकि एक तो ये है कि ये हमारी अपनी जुबान है, ठीक है, क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है, तो इसलिए इसको डिटेक्ट करना ज्यादा आसान है बजाय इसके कि आप मशीन लैंग्वेज को डिटेक्ट करो, इसके इसमें एरर को डिटेक्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मशीन इंडिपेंडेंट या मशीन हाई लेवल लैंग्वेज। हाँ, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी कोड लिखेंगे, ठीक है, उसने ट्रांसलेटर के जरिए ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेटर ने उसको, और उसने इस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है। अब फॉर एग्जाम्पल ये कोड लिखा है पीसी वन में, सेम इस कोड को पीसी वन में लिखा, पीसी वन में ही इसको ट्रांसलेटर ने इस मशीन के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया और ये इस पे चल पड़ा। फॉर एग्जाम्पल सेम कोड यही मैं पीसी टू में जाके, यही कंप्यूटर टू में जाके इसको ट्रांसलेट करती हूँ, तो उसमें भी ट्रांसलेटर उस मशीन के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेगा, तो वो उस मशीन में चल पड़ेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक ये मशीन जो है मशीन कोड है, सही है, अगर मशीन लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, इसको पीसी वन पे चलाऊंगी तो चलेगा, पीसी टू पे चलाऊंगी यानी दूसरे कंप्यूटर पे चलाऊंगी तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट है किस पे, मशीन पे, मशीन का मतलब है कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है ये मशीन प्रोग्राम, मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज डिपेंडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि उसको जब ट्रांसलेट किया जाता है तो ट्रांसलेटर ऑटोमेटिकली उसको जिस मशीन के ऊपर ट्रांसलेट किया जा रहा है उस मशीन पे ही के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे इंटेल या मोटरोला, ये दो बहुत मशहूर कंपनियां हैं जो कि मशीन्स बनाती है, मशीन का मतलब है इस वक्त यहाँ पे कंप्यूटर की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात हो रही है, तो वो मशीन बनाती है, तो ये है कि जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा वो इंटेल वाले कंप्यूटर पे भी चलेगा, वो मोटरोला वाले कंप्यूटर पे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। इस ये जो सी लैंग्वेज है, ये हाई लेवल सी लैंग्वेज नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं इनमें लाइब्रेरी फंक्शंस अवेलेबल होते हैं या बिल्ड इन फंक्शंस भी उनको कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस या बिल्ड इन फंक्शंस। अब लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं कि लाइब्रेरी फंक्शंस या बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं कि फंक्शंस की फॉर्म में एक स्मॉल कोड होता है, जैसे मशीन लैंग्वेज है आपका एक प्रोग्राम 1010 की फॉर्म में शुरू हुआ, चलता गया चलता गया चलता गया और ये एंड हुआ जाके 012 कुछ भी 010 की फॉर्म, जहां पे जाके एंड हुआ, एक सीक्वेंस से यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे जाके एंड हुआ, शुरू से चलता आ रहा है और कहीं रुका नहीं, एक लाइन में जाके उधर एंड हो रहा है। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होते हैं वो छोटे छोटे प्रोग्राम में, छोटे छोटे कोड्स में, चंक्स में डिवाइड हो जाते हैं, स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड हो जाते हैं, उन स्मॉलर यूनिट्स को क्या बोलते हैं, उन स्मॉलर यूनिट्स को फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता है कि आपका एक ही तरह का कोड है, फॉर एग्जाम्पल कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, बजाय इसके कि आप इन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रीराइट करो, आप इसका एक फंक्शन बना लेते हो फंक्शन वन, आप इस फंक्शन को किसी जगह पे जहां पे जरूरत पड़ती है वहां कॉल करवा सकते हो, कॉल फंक्शन वन। ये सारे फंक्शंस हम सी लैंग्वेज के पढ़ेंगे, ठीक है। इसका ये फायदा होगा कि आप इसको जितनी मर्जी दफा कॉल करवा लो, दोबारा कुछ स्टेटमेंट कॉल फंक्शन वन, फिर दो स्टेटमेंट्स लिखी, फिर कॉल फंक्शन वन, तो ये क्या होगा कि ये वाली कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो इस फंक्शन के अंडर आती हैं, जिनको आपने एक अलहदा ब्लॉक बना दिया है, वो रन हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ, सही है। इसका ये ठीक है, ये लाइब्रेरी फंक्शंस की इसमें अवेलेबिलिटी है। दूसरा शॉर्टर प्रोग्राम्स, शॉर्टर प्रोग्राम्स क्या है, मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में भी, बल्कि आप देखें तो असेंबली लैंग्वेज में भी प्रोग्राम्स बहुत लंबे होते हैं, लंबे कैसे, मशीन लैंग्वेज में तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें, आपने एक लेटर ए लिखना है, आप इसको ASCII कोड में कन्वर्ट करते हो, ASCII कोड क्या होता है इसका 65, ठीक है, उसको दोबारा आप उसको मशीन लैंग्वेज में करने लगते हो, 65 को आप मशीन लैंग्वेज में 0101 की फॉर्म में करो तो वो कुछ कितना कोई कुछ सीक्वेंस बनती है। इसी तरह आपने ये अभी एक लेटर की इतनी बनी है, कोई और कितने भी डिजिट्स होते हैं, अभी एक लेटर की बनी है, आपने कोड लिखना है, कोड ऑब्वियसली होगा कुछ लाइनों का होगा और हर लाइन में कई लेटर्स होंगे, उनको आप मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करो तो ये अच्छा खासा लंबा बन जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप असेंबली लैंग्वेज में भी लिखते हो तो एक एक रजिस्टर को पिन पॉइंट कर करके लिखते हो, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम शॉर्टर होते हैं क्योंकि सारा एक काम जो है
ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला काम ये तो ट्रांसलेटर कर देता है, ठीक है। रजिस्टर्स वाला काम, रजिस्टर्स या जो टेम्परेरी मेमोरी स्पेस होती है उसको भी आप डायरेक्टली असेस नहीं कर सकते हाई लेवल लैंग्वेज में, वो काम भी बैकएंड पे सारे हो रहे होते हैं। तो प्रोग्राम की लेंथ ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाती है। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वेल डिफाइंड सिंटेक्स एंड स्टैंडर्ड। अच्छा, इसका सिंटेक्स जो है ना, इनके जो जस्ट कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे आप फिजिक्स में अगर देख लें, फिजिक्स में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स है जिसमें बताया जाता है कि टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड्स में मेजर किया जाएगा। इस किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं, एक फिक्स हुए हुए हैं। इसी तरह कंप्यूटर साइंस में भी सिंटेक्स के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि फिक्स हुए हुए हैं। वो स्टैंडर्ड कौन दे रहा है? आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। आंसी ने एक स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करवाया सिंटेक्स लिखने का, सिंटेक्स इस तरह से लिखना चाहिए ये रूल्स को फॉलो करके। तो इस बहुत वेल डिफाइंड सिंटेक्स होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज लिख लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में आप लिखते हैं आई एम पाकिस्तानी फॉर एग्जांपल, या आई लव मैंगोस, आपने लिखा आई लव मैंगोस। आपका ख्याल है यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया, हो तो गया है बताहिर, लेकिन इसके आगे आपने पंक्चुएशन नहीं डाली। अगर आप नहीं भी डालते तो कोई मसला नहीं है, ये चीज अगर आपने पंक्चुएशन नहीं भी डालते तब भी ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक्सेप्टेबल है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आपने एक प्रोग्राम में लिखना है प्रिंट, फॉर एग्जांपल प्रिंट आई लव मैंगोस, ये फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है, हालांकि ये सी ही नहीं है, मैं वैसे एक अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप इसमें अगर डिफाइन हुआ है कि इस लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज है कि आपने इसके ऊपर डबल कोट्स डालने, अगर आप इसे सिंगल कोट भी डाल दोगे वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, अगर आप नहीं डालोगे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट को जो आपका मशीन होगी, कंपाइलर होगा, ट्रांसलेटर होगा या जो चीज भी है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसका मतलब है कि ये बहुत वेल डिफाइंड सिंटैक्स है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सोर्स कोड इज अंडरस्टैंडेबल बाय अनदर प्रोग्रामर। हाई लेवल लैंग्वेज में जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड अभी मैं आगे आपको बताती हूँ सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड ये होता क्या है। सोर्स कोड का फिलहाल आप यही देख लें कि सोर्स कोड होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है वो सोर्स कोड है, ठीक है। ये कोई भी प्रोग्रामर इजीली समझ सकता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को सी लैंग्वेज पढ़ाऊंगी, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप में से किसी एक स्टूडेंट ए ने एक कोड लिखा है, मैं वही कोड उठा के स्टूडेंट बी को दूं कि आप इसको जो है इसको मुझे बताएं इसमें क्या लिखा हुआ है, आप इजीली समझ जाएंगे क्योंकि आपने सी लैंग्वेज के रूल्स पढ़ लिए होंगे कि सी लैंग्वेज किस तरह से लिखते हैं, इसमें सिंटैक्स के क्या रूल्स हैं, वो सब पढ़ चुके होंगे। तो जो एक बंदा अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक हाई लेवल लैंग्वेज में, फॉर एग्जाम्पल सी लैंग्वेज में एक कोड लिख रहा है, तो दूसरा जो सी लैंग्वेज को जानता होगा इजीली उस कोड को अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये कोड किस मकसद के लिए है, ये मशीन से क्या काम करवा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये एक दफा बस ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये जो हमने अभी तक पढ़ी है हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज, इनमें डिफरेंस क्या है। पहला पॉइंट ये है कि लो लेवल लैंग्वेज इज क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज के करीब तरीन होती है। लो लेवल लैंग्वेज को याद करना, लर्न करना या यूज करना मुश्किल है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज को लर्न और यूज करना आसान है। लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट है। लो लेवल लैंग्वेज में बिल्डिंग फंक्शंस नहीं होते, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में बिल्डिंग फंक्शंस होते हैं। प्रोग्राम जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो फास्टली एग्जीक्यूट होते हैं, किस लिए? इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई ट्रांसलेटर इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में इतनी फास्टली नहीं बल्कि स्लोअर एग्जीक्यूशन होती है, क्योंकि इसमें पहले प्रोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ता है ट्रांसलेटर के जरिए मशीन लैंग्वेज में, तब जाके प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। लो लेवल लैंग्वेज में बहुत डीप नॉलेज चाहिए होता है, वो क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत मुश्किल लैंग्वेज होती है, अगर फॉर एग्जांपल मशीन लैंग्वेज है तो 0101 की फॉर्म में होती है, उसके लिए तो बहुत डीप नॉलेज चाहिए। अगर वो असेंबली लैंग्वेज है तो नेमोनिक्स और वो प्रॉपर रजिस्टर्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में कोई खास डीप नॉलेज नहीं चाहिए होता, बस आपको सिंटेक्स लिखने के रूल्स पता होने चाहिए। लो लेवल लैंग्वेज में के कुछ प्रोग्रामर्स हैं, इसके दुनिया में प्रोग्रामर्स की तादाद बहुत कम है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स बहुत ज्यादा हैं। लो लेवल लैंग्वेज में एरर्स को ट्रेस आउट करना मुश्किल है, जैसे अभी आपको बताया कि कोई एक वन की जगह जीरो लग गया या जीरो की जगह वन लग गया, तो इतनी बड़ी फाइल में से जो 0101 की ही फाइल है
ढूंढना बहुत मुश्किल है कि एरर कहाँ पे है, मसला कहाँ पे है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज जो कि क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है तो उसमें एरर ट्रेस आउट करना, फाइंड आउट करना आसान है। लो लेवल लैंग्वेज कॉमनली यूज नहीं होती, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज बहुत कॉमनली यूज होती है। लो लेवल लैंग्वेज बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम होते हैं, लेंथी प्रोग्राम होते हैं, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में शॉर्टर प्रोग्राम होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में यूज होता है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में यूज होता है ज्यादातर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। अब सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड ये क्या होता है? अब हम आ गए हैं हाई लेवल लैंग्वेज पे। मशीन लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, इनको एक साइड पे करते हैं। हमने इनका सिर्फ इंट्रो लिया है, इंट्रोडक्शन लिया है। अब सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाए, उसमें सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड है। सोर्स कोड वो कोड होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। फिर इस हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को क्या करते हैं कि ट्रांसलेटर के जरिए इसको ट्रांसलेट किया जाता है, इधर ट्रांसलेटर आ जाता है, ठीक है। ट्रांसलेटर उसको क्या करता है, हाई लेवल कोड से, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड से उसको मशीन कोड में ले आता है। मशीन कोड का क्या मतलब है कि 0101 की फॉर्म में ले आता है, बाइनरी फॉर्म में ले आता है। ऐसे ही होता है ना, यही एक प्रोसेस हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना। तो सोर्स कोड कहते हैं वो कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, और उस कोड के ऊपर जब ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट कर देता है मशीन कोड में ले आता है तो उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ठीक है। ये बस इतनी सी कहानी है, ऑब्जेक्ट कोड, इसको मशीन कोड भी कहते हैं, वजह क्योंकि ये मशीन 0101 की फॉर्म में ट्रांसलेटर इसको जब कन्वर्ट कर देता है तो उस फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, सोर्स कोड कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए बनता है, और जब इसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है मशीन कोड में तो वो जो मशीन कोड होता है वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है, या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। अब बात आ जाती है ट्रांसलेटर की, तो चलिए अब हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स देख लेते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, इसको जरा डिटेल में देख लेते हैं, और ये कितनी किस्म के होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं, जैसे अभी हमने बात की जो कि हमारा हमारी हम बात कर रहे हैं कि हमने इस वक्त काम करना है हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, जो कि क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है। अब वो हमने तो कर लिया, लेकिन मशीन जो है या हमारा कंप्यूटर जो है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो तो समझती है मशीन कोड को, या फिर वो समझती है 0101 की फॉर्म को, तो हम अपनी जुबान में उसको समझाए जाएंगे वो समझेगा ही कुछ नहीं क्योंकि वो उसकी जुबान नहीं है। तो कोई ना कोई बीच में इंटरमीडिएटरी आनी चाहिए जो कि क्या करे कि मशीन कोड मशीन को बताए वो इंस्ट्रक्शन के यूज, आपको प्रोग्रामर ये कहना चाह रहा है। तो क्या करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करता है, और किस में कर देता है, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब तीन तरह के ट्रांसलेटर्स हैं, इसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोलते हैं, इसको लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं, इसके दो तीन नाम हैं। ट्रांसलेटर तीन तरह के हैं, एक है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर, और तीसरा है असेंबलर, ठीक है। कंपाइलर से स्टार्ट करते हैं, हमारा जो सी लैंग्वेज हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे वो उसका जो है वो भी कंपाइलर है, उसका ट्रांसलेटर कंपाइलर है। वो कंपाइलर उसको जो ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, उस स्टेप को बोलते हैं कंपाइल करना, वो कंपाइल कर रहा है, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एज अ होल पूरे के पूरे प्रोग्राम को, पूरे के पूरे सोर्स कोड को एज अ होल ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। एक सोर्स कोड है, एक फाइल है, सोर्स कोड है, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा सोर्स कोड क्या होता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है, उसको एज अ होल पूरे के पूरे को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। एक सोर्स फाइल होगी कंप्यूटर में जिसके ऊपर हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा होगा, उसकी ऑब्जेक्ट फाइल पूरी की पूरी एज अ होल बना देगा, ठीक है। ये क्या कौन कर रहा है, ये कर रहा है कंपाइलर, सही है। अच्छा, ये क्या करता है कि ये पूरे के पूरे को अगर फ्री ऑफ एरर्स है फिर करता है कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि जो प्रोग्राम आपने सोर्स कोड में लिखा है उसमें एरर नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लाइन में, किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी सिंटेक्स में कोई जरा सा भी एरर होगा तो वहां पे एरर शो कर देगा, और जो कंपाइलेशन का स्टेप है, ट्रांसलेशन का स्टेप है, वो वहीं पे स्टॉप कर देगा और ऑब्जेक्ट कोड की फाइल नहीं बनेगी। तो इसलिए
जरूरी है कि वो आपका प्रोग्राम जो है वो फ्री ऑफ एरर्स होना चाहिए। अगर एरर होगा तो कंपाइलर के अंदर एक और ऑप्शन है, एक और इसका फंक्शन है कि ये बताता है कि एरर है और कौन सा एरर है। ये आगे जब हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि वो किस तरह से बता रहा है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट क्या करता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट या सिंटेक्स बाय सिंटेक्स ट्रांसलेट करता है और साथ साथ एग्जीक्यूट कर देता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोग्राम था, ये एक लाइन है प्रोग्राम की, सिंटेक्स है, ये दूसरा सिंटेक्स है, ये तीसरा है, तो क्या करेगा, पहले को करेगा, यहां से लेके यहां तक। अगर इसमें एरर है तो यहीं पे स्टॉप कर देगा और एग्जैक्ट बता देगा फलां लाइन में एरर है। अगर एरर नहीं है तो इसको पूरा का पूरा साथ में ट्रांसलेट करेगा, यानी कि इंटरप्रेट करेगा प्लस उसको एग्जीक्यूट भी कर देगा, साथ साथ करेगा। जबकि कंपाइलर क्या कर रहा था, पहले उसको कंपाइल कर रहा था, ट्रांसलेट कर रहा था पूरे के पूरे सारी की सारी लाइंस को इकट्ठा, और फिर सबको एक साथ ही एग्जीक्यूट कर रहा था। जबकि ये लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करेगा। जो हमारा जीडब्ल्यू बेसिक है, जीडब्ल्यू बेसिक जो बिगिनर्स के लिए था, जीडब्ल्यू बेसिक एक लैंग्वेज है, उसका जो ट्रांसलेटर है वो इंटरप्रेटर है, वो इस तरह से काम करता है। अच्छा, फिर एक स्टेटमेंट उसने पूरी कर ली, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा उसको पूरा करेगा, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा उसको पूरा करेगा, इस तरह से ये चलता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, इसके कुछ नुकसानात हैं। वो क्या है, एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कैसे, कि ये वन बाय वन एक एक लाइन को करके ट्रांसलेट कर रहा है, और दूसरा क्या है कि परमानेंटली ट्रांसलेट नहीं होती। कंपाइलर में क्या हो रहा था, कंपाइलर में एक सोर्स कोड था, उसने सोर्स को ऑब्जेक्ट की फाइल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये फाइल आपने अपने पास सेव कर ली। अगली बार आपने इसको रन करना है प्रोग्राम को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइल ही रन होगी, या इसके जो आपके पास पूरा सोर्स कोड दोबारा से ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनेगा, पहले से बन जो चुका है। जबकि इसके अंदर क्या होगा, एक दफा प्रोग्राम पूरा सक्सेसफुली रन हो गया, फिर दोबारा से आप रन करना चाह रहे हैं, किसी और कुछ और रिजल्ट्स लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप पहले फिर से नए सिरे से ये फिर से इसको ट्रांसलेट करना शुरू करेगा, फिर अगली लाइन को ट्रांसलेट करना शुरू करेगा प्लस एग्जीक्यूट करेगा, फिर अगली लाइन को ट्रांसलेट करेगा प्लस एग्जीक्यूट करेगा। तो ये क्या हो रहा है, टाइम कंज्यूम कर रहा है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, और परमानेंटली भी सेव नहीं हो रहा प्रोग्राम, टेम्परेली ट्रांसलेट करके साथ ही एग्जीक्यूट कर रहा है, और फिर भूल जाता है इसने क्या ट्रांसलेट किया था। जबकि इसमें मशीन साथ याद रख रही है, ऑब्जेक्ट की फाइल बना ली है इसने अपने पास, कि जो ट्रांसलेट किया था अगर हो सकता है दोबारा जरूरत पड़े तो ये इसको दोबारा से यूज कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है असेंबलर। असेंबलर बस इतना ही है कि ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए यूज होता है। मेन जो है हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर है। इनका एक दफा एज अ होल डिफरेंस देख लेते हैं। कंपाइलर क्या होता है, ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में एज अ होल कन्वर्ट कर रहा है, जबकि इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है। कंपाइलर ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, ये देखें कंपाइलर ने ऑब्जेक्ट फाइल बनाई जबकि इंटरप्रेटर ने नहीं बनाई, ट्रांसलेट करके भूल गया, ट्रांसलेट किया, एग्जीक्यूट किया और फिर भूल गया, ठीक है, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रांसलेट हुआ हुआ कहाँ पे है, कहाँ रखना है या नहीं रखना। अच्छा, कंपाइलर क्या है, कंपाइलर में प्रोग्राम बहुत तेजी से एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक दफा ऑब्जेक्ट फाइल बन गई, इसको जितनी मर्जी दफा रन कर लो, एग्जीक्यूशन जितनी मर्जी दफा कर लो, एग्जीक्यूट करने का मतलब है इसकी आउटपुट जितनी मर्जी दफा ले लो, जबकि प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन बहुत स्लो होती है क्योंकि हर दफा वो प्लस कर रहा होता है ट्रांसलेशन भी साथ में कर रहा होता है, तो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड टू रन द प्रोग्राम, हर दफा प्रोग्राम रन करने के लिए ट्रांसलेटर प्रोग्राम को रन नहीं करता, जबकि इसके अंदर जो ट्रांसलेटर है वो ट्रांसलेट भी कर रहा है प्लस एग्जीक्यूट का दूसरा नाम ना रन है, ठीक है। अच्छा, कंपाइलर में एरर्स डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है, जबकि इंटरप्रेटर में एरर्स डिटेक्ट करना डिफिकल्ट नहीं है। वजह क्या है, वजह ये है कि कंपाइलर में एरर्स जो है ये एज अ होल पूरी की पूरी सोर्स फाइल में से एरर डिटेक्शन हो रही होती है, एरर डिटेक्ट कर रहा होता है। हो क्या रहा है, इंटरप्रेटर में पूरी की पूरी फाइल में से नहीं कर रहा, एक लाइन में से कर रहा है। अगर इस लाइन में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एरर आ गया, वो यहीं पे स्टॉप कर जाएगा और कहेगा कि फलां लाइन में एरर है, जबकि सोर्स फाइल में आप देखेंगे अक्सर वो एरर किसी और लाइन में शो कर रहा होता है जबकि होता किसी और लाइन में है, ठीक है। अच्छा,
ज्यादातर प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं उनके कंपाइलर्स होते हैं ट्रांसलेटर, जबकि बहुत कम हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनके ट्रांसलेटर जो हैं वो इंटरप्रेटर हैं, ज्यादातर कंपाइलर यूज होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं, बस एक ये लास्ट है, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज और ये सारा कुछ स्टार्ट करेंगे, सी लैंग्वेज पे प्रॉपरली आ जाएंगे। एक चीज है, टर्म है अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होती है? अनस्ट्रक्चर्ड ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंदर जो है ब्लॉक्स नहीं होते, ठीक है। लॉजिक ऑफ प्रोग्राम एक कंटिन्यूअस ब्लॉक में एक कंटिन्यूअसली लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां से प्रोग्राम शुरू हुआ, ये चलता गया यहां पे आके खत्म हो गया। जबकि स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, उन स्मॉलर यूनिट्स को क्या कहते हैं, ब्लॉक्स कहते हैं। वो कैसे होते हैं? वैसे होते हैं कि प्रोग्राम यहां से चल रहा है, पीछे यहां पे एक फंक्शन नंबर वन है, फंक्शन वन, इन ब्लॉक को फंक्शन भी कहते हैं। जैसे अभी हमने फंक्शन की बात की ना, अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शन की, ये फंक्शन वन है, ये फॉर एग्जाम्पल फंक्शन टू है, ठीक है। ये इसकी कुछ स्टेटमेंट्स है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है। प्रोग्राम शुरू हुआ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉल कर लिया गया फंक्शन वन, कि फंक्शन वन को एग्जीक्यूट करो, फौरी तौर पे प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो फंक्शन वन पे चला जाएगा, फंक्शन वन की सारी स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी, फिर वापस कंट्रोल किधर आ जाएगा, उस कॉल की नेक्स्ट स्टेटमेंट में, फिर एक दो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो रन हुई, और फॉर एग्जाम्पल कॉल कर लिया गया यहाँ पे फंक्शन टू को, तो क्या होगा, कंट्रोल फौरी तौर पर फंक्शन टू की स्टेटमेंट्स में चला जाएगा, ये वन टू थ्री जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट होंगी, और वापस कंट्रोल किधर आ जाएगा, फंक्शन टू की नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जहां पे कॉल किया गया था, और फिर अगली स्टेटमेंट्स रन होगी, और दोबारा फंक्शन वन अगर कॉल करना चाहे तो दोबारा भी फंक्शन वन कॉल किया जा सकता है, तो क्या होगा, फंक्शन वन दोबारा से कॉल हो जाएगा, फंक्शन वन की जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो दोबारा से एग्जीक्यूट होंगी, और सारी वन बाय वन एग्जीक्यूट होने के बाद वापस कंट्रोल उसी अगली लाइन में आ जाएगा। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें प्रोग्राम छोटे छोटे ब्लॉक्स, छोटे छोटे चंक्स, इसमें स्मॉलर यूनिट्स में या फंक्शंस में डिवाइड हुआ होता है, और उन यूनिट्स को बाय रेफरेंस ऑफ देयर नेम, इस यूनिट का नाम, इस ब्लॉक का नाम हमने फंक्शन वन कह दिया, एफ यू एन वन, इस का नाम हमने फंक्शन टू कह दिया, फॉर एग्जाम्पल ये इसका नाम है, इसको रेफर करते हुए कॉल किया जाता है इन मेन फंक्शन या इन मेन बॉडी या प्रोग्राम में, प्रोग्राम में कहीं भी इसको कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फंक्शन वन के अंदर फंक्शन टू को भी कॉल कर सकती हूँ, कॉल फंक्शन टू, ठीक है, मतलब ब्लॉक्स की सूरत में होता है। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड में क्या था कि वन बाय वन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना शुरू हुई है और एंड पे भी एक ही जगह पे कंटिन्यूसली चल रही है, बीच में कोई ब्रेक नहीं आ रहा, बीच में कोई छोटे छोटे ब्लॉक्स का कोई जिक्र नहीं है। बस इतना सा था आज का लेक्चर, और कल से हम इंशाल्लाह हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे।